नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों 14% की तेजी बन रही है, 51.55 का दोस्तों तेजी बना है दोस्तों। और दोस्तों 12 अगस्त बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, क्यों है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों इतनी तेजी क्यों बन रही है उसके पीछे के रीजन को भी जानेंगे दोस्तों। पिछले 5 दिनों में दोस्तों लास्ट वीक डिस्कस किया था और बोला था कि यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है, और दोस्तों अच्छी तेजी हमारे लिए बन भी गई है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। 16.63% का अपवर्ड मोमेंट आ चुका है पिछले 5 दिनों के अंदर। रीजन क्या था? तो दोस्तों रीजन बहुत ही सिंपल था कि ये कॉफी डे इंटरप्राइज का वीकली चार्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर हमने स्विंग लो को कनेक्ट किया था 28 मई 2021 का, और वीकली हाई था दोस्तों, स्विंग हाई जो 21 जून 2022 का था दोस्तों, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट 40.65 पे आ रहा था। और दोस्तों वहां पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस मिल रहा था दोस्तों, ये लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और लास्ट टाइम वहीं पे क्लोज आया था, तो वहां से दोस्तों बुलिश ने स्टार्ट हुआ और हमें अच्छा काफी अच्छा मोमेंटम मिला। अब दोस्तों 53.50 यानी कि आज दोस्तों देखिए 53.80 को टच करके वापस आया है दोस्तों, यानी कि सटीक एनालिसिस दोस्तों की थी। अगर डेली चार्ट के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपसाइड अपवर्ड वॉल्यूम हमें मिल रहा है दोस्तों। लास्ट टाइम वहीं से दोस्तों वापस आया था, जैसे इसको तोड़ा था दोस्तों तो हमें वो टारगेट मिले थे और वापस से नीचे आया था दोस्तों। अब इस बार देखना है कि इसको तोड़ के आगे जाता है या फिर यहाँ पे रुकता है कि नहीं। और RSI की अगर बात करें तो दोस्तों RSI देखेंगे तो 70 के आसपास आ चुका है, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख सकता है कि वॉल्यूम में जबरदस्त तेजी बनी है। ऐसा ही वॉल्यूम दोस्तों लास्ट टाइम भी यहाँ पे भी बना था दोस्तों, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है आज के दिन के अंदर। और 12 अगस्त का दिन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्यों वो बड़ा इंपॉर्टेंट दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटर कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं, 13.92 है। FIIs है वो है वो 3.15 है, और दोस्तों पब्लिक के पास होल्डिंग है 82.89 का दोस्तों। कॉफी डे एंटरप्राइज का अगर आप दोस्तों आप देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों, मार्केट के 1085 है, सामने डेप्थ तो देखिए दोस्तों 1917 करोड़ का है दोस्तों। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.53 है, और दोस्तों ROCE ROE सब नेगेटिव है दोस्तों, यानी कि दोस्तों कंपनी डेप्ट से गिरी हुई कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो दोस्तों 183 करोड़ का था दोस्तों, 170 था दोस्तों, ये पूरा कोरोना से ग्रस्त था ये सेक्टर पूरा, बट अभी सारे के रिजल्ट अच्छे आए हैं तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सा बूम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 12 अगस्त को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है और वहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अपना फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करने वाली है दोस्तों। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों कुछ ज्यादा अच्छी खासी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे भी बताता हूँ कि यहाँ पे बार बार वो बोलने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों ये डेट लेडन कंपनी है, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियली स्ट्रेस होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे, अगर वहां पे कुछ डेवलपमेंट आता है पॉजिटिव तो फिर ये स्टॉक में अच्छा तेजी बनेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से आप रख सकते हैं, बाकी दोस्तों अगर रिजल्ट अच्छा है तो ये लेवल को तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो फिर ऊपर 61 तक जाएगा। मगर अगर 61 पे भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा दोस्तों तगड़ा रेजिस्टेंस है, ऐसा छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोस्तों हाई रिस्क इन्वेस्टर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से पैसा डाल सकते हैं, बाकी दोस्तों इसमें कुछ भी करने की सलाह नहीं है दोस्तों। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हमें अच्छा मिल सकता है, हमने पहले भी मूवमेंट ट्रेडिंग में काफी अच्छा कमाया है, बट दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक टाइम पे अवॉइड कर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।